सातवें चरण की शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के लिए आए दिन नई नई खबरें अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं। बहाली में कितनी सीटें शामिल की जाएंगी, प्राइमरी में 1.25 लाख सीटें होंगी, कभी 1.5 लाख, और अब नीतीश कुमार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा ये चीज़ कन्फर्म की गई है कि 1.65 यानी कि करीब 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली जो है प्राइमरी के लिए ही, यानी प्रारंभिक 1-8 के लिए सातवें चरण के तहत होनी है, और ये बहाली ऑनलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन मोड में आवेदन लिए जाएंगे। इस चीज़ की भी जो पॉसिबिलिटी है वह अब साफ ही देखने को मिल रही है अखबारों के माध्यम से यदि देखे तो। अखबारों की बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको बताएंगे कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए शिक्षा विभाग कितना ज़्यादा सख्त रुख अपना रहा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जो है उनकी तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है, उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन पहले सातवें चरण को लेकर अब क्या कुछ प्रकाशित हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो आपको बता दें कि हाई स्कूल और प्लस टू में, यानी कि जो छठे चरण की अगर बात कर लें, हाई स्कूल प्लस टू के अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। तो 32,000 शिक्षक जो है हाई स्कूल और प्लस टू को मिल जाएंगे यदि ये नियुक्ति पत्र पूरी तरह से अच्छी तरीके से वितरण जो है 30 जुलाई को कर दिया जाता है। इसके लिए भी दीपक कुमार सिंह ने ये बोला है कि हम चाहते हैं कि छठा चरण ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, विलम्ब हो चुका है, इसलिए विभाग इसे शीघ्र पूरा करने की मंशा रखता है। तो ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सातवां चरण तभी आरंभ होगा जब छठा समाप्त होगा। उसके बाद सातवें चरण की शिक्षक बहाली में ये न्यूज़पेपर कटिंग आज हर जगह वायरल है, जहां लिखा है कि अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगी सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया। तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो इसमें मेन बातें आप पढ़ेंगे अगर अंदर डिटेल में, तो यहाँ अंदर पहले तो पदों की बात की गई है कि कितने लाख पद खाली हैं। उसके बाद माध्यमिक में 9,360 लिखे हैं, फिर उच्च माध्यमिक में 40,000 पद खाली हैं, ऐसा लिखा गया है। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो प्रकाशित हो गया है कि शिक्षा विभाग इस बार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में ही लेगा। शिक्षक भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को आवेदन भी ऑनलाइन ही करना होगा। शिक्षा विभाग ने फैसला कर लिया है कि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट भी पोर्टल के जरिए, यानी कि वेब पोर्टल, वेब सॉफ्टवेयर के जरिए ही बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग नियोजन इकाइयों को सूची प्रोवाइड करेगा। तो इस चीज़ की कन्फर्मिटी हो गई है कि जो ऑनलाइन मोड में बहाली होनी है उसके लिए वेब पोर्टल वगैरह भी शिक्षा विभाग द्वारा जो है निर्मित किया जा चुका है या फिर किया जा रहा है, और ये जो आवेदन प्रक्रिया होगी सातवें चरण की, ये ऑनलाइन मोड में ही होने वाली है। तो ऑनलाइन मोड का आप लोग जानते हैं कि कार्य जो है थोड़ा तेज़ी से अगर सरकार करना चाहती होगी तो ज़रूर ही ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें क्या होगा कि आपको हर जगह नियोजन इकाइयों में जाकर चक्कर लगाने की और आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी जीरोक्स कॉपीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बार आप ऑनलाइन मोड में जहाँ पर भी बहाली में हिस्सा लेना चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो हर जगह आज यही प्रकाशित हुआ है कि सातवें चरण में इतने शिक्षकों की बहाली होनी है, और अभी केवल प्रारंभिक की बात चल रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए नोटिफिकेशन आने में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि बीच में हम लोग देख रहे हैं कि एसटीईटी 2022 की बातें आने लगी हैं, तो उसको लेकर भी चीज़ें अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि एसटीईटी 2022 के लिए जो विज्ञप्ति आई थी उसमें ये मेंशन था कि नियोजन में भाग लेंगे एसटीईटी 2022 के अभ्यर्थी, लेकिन देखिए ये कहीं पर नहीं लिखा था कि सातवें चरण के नियोजन में ही वह अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। तो इसलिए सातवें चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अभी भी संदेह बना हुआ है। अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो है शिक्षा विभाग का एक और बड़ा जो पत्र है वह जारी हुआ है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का, जिसमें शिक्षा विभाग ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाते हुए यह लिखा है। देखिए, शिक्षकों के लिए ये मददगार ही है, जो नव नियुक्त शिक्षक हैं या फिर जो सातवें चरण में शिक्षक बनने वाले हैं या जो ऑलरेडी पुराने इन सर्विस टीचर्स हैं, उन सभी के लिए ये देखिए, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्पेशली मेंशन कराते हुए लिखा गया है। आज ही का लेटर है ये, 8 जुलाई 2022 का, जिसमें अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान के संबंध में। तो शिक्षकों का वेतन आप लोग जानते हैं कि आए दिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से, मतलब बिना बात के ही शिक्षकों का वेतन जो है रोका जाता है। तो इसके लिए भी शिक्षा विभाग काफ़ी सख्त रवैया अपना रहा है। देखिए, इसमें अगर आप ये डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे दृष्टांत नज़र आ रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन अकारण ही रोक दिया जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर यदि कोई शिक्षक 5 मिनट देरी से पहुँचता है या फिर किसी अन्य कारण से वह अगर उपस्थित नहीं हो पाया या फिर कोई भी ऐसा कार्य कभी MDM के नाम पर, मतलब बहुत सारी चीज़ों के नाम पर जो है शिक्षकों का वेतन स्पष्टीकरण, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसके लिए विभाग ने सख्त रवैया अपना
बताते हुए यह निर्देश दे दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्देश है कि शिक्षकों के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान करना टाइमली सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति अवैध हो या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता ज्ञात हो तो मात्र वेतन रोकने की कार्रवाई को वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे मामले में या तो निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाए या बिना निलंबन के विभागीय कार्रवाई भी की जाए। लेकिन यदि निलंबन नहीं किया गया या विभागीय कार्रवाई के बावजूद विभागीय कार्रवाई के मात्र वेतन रोकना किसी भी परिस्थिति में ना किया जाए, यानी कि देखिए निलंबन कर दिया गया या फिर स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन जो वेतन रोकने की जो कार्रवाई है उसको भी किसी भी परिस्थिति में वेतन नहीं रोकना है। आधारभूत नियम यह है कि जिस भी कर्मी से आप कार्य ले रहे हो उनका वेतन भुगतान आवंटन के अभाव के अलावा अन्य किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जा सकता। यानी कि अलॉटमेंट ही अगर नहीं है तो ही आपकी सैलरी जो है डिले होगी, अन्यथा आपकी सैलरी किसी भी कारण से रोकी नहीं जा सकती है। इसका निर्देश जो है अपर मुख्य सचिव ने स्वयं कड़े शब्दों में यहाँ पर दे दिया है, कृपया इसे दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाए। तो देखिए ये खबर आज ही ये लेटर क्यों जारी हुआ है दीपक कुमार सिंह का, इसकी भी आपको एक बार जो है पुष्टि कर देते हैं कि इस तरह का जो लेटर है क्यों जारी किया गया है, कि क्योंकि वेतन भुगतान और वेतन रोकने की जो बहुत सारी जो खबरें हैं वो आए दिन हर तरफ से आ रही है। आज के ही अखबारों में यदि आप देखेंगे तो यह भी प्रकाशित हुआ कि पूर्णिया जिले के जो DM हैं उन्होंने 2 शिक्षकों का वेतन इस कारण से रोक दिया, स्पष्टीकरण भी मांग लिया क्योंकि वह विद्यालय में कुर्ता पहनकर आए थे। तो देखिए कुर्ता पहनकर आए थे तो हो सकता है कि गर्मी की वजह से या फिर अन्य किसी कारण की वजह से वह कुर्ता पहनकर आए थे। वैसे भी टीचर्स के लिए कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है कि बिहार के स्कूल्स में आपको यही ड्रेस कोड में जाना होगा, तो इस कारण से DM ने उनको ये चीज़ें रास नहीं आई। उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण वह यदि करने गए भी थे तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि 2 टीचर जो है कुर्ता पहनकर आए थे और उन्होंने उसके लिए स्पष्टीकरण भी उनसे मांग लिया, साथ में उनका वेतन रोकने तक का आदेश दे दिया है। तो ये सरासर नाइंसाफी हम कह सकते हैं कि जिला पदाधिकारी जो है DM जो है उन्होंने की है। तो हो सकता है कि उसी खबर का असर था कि शिक्षा विभाग ने कड़ा रवैया अपनाते हुए सख्त रुख अपनाते हुए ये जो लेटर है शिक्षकों के वेतन संबंधित निकाला गया है। और आज आप लोग जानते हैं कि जो नव नियुक्त शिक्षक हैं उनका भी वेतन जो है काफ़ी सारे जिलों से खबरें आ रही है कि वेतन भुगतान जो है हुआ है, कहीं 1 महीना कहीं 2 महीना कहीं 4 महीने जहानाबाद जमुई जिले की अगर बात करें तो कई कई जगह पर 4-4 महीने का वेतन भी जो है नव नियुक्त शिक्षकों को दिया जा चुका है। तो वेतन की चारों तरफ से बातें चल रही हैं, इसको लेकर ही जो लेटर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसको आप लोग आगे सेव भी करके रखेंगे ताकि जब यदि कारण आपका वेतन कभी रोका जाए तो इस चीज़ का हवाला, इस लेटर का हवाला आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अभी 7वें चरण की बहाली।